पहला चुनाव आपने पहले चुनाव में मंत्री को हरा दिया। मैंने ये चुनाव मेरा नहीं था जी, जी ये चुनाव कर्णपुर की जनता का था। कर्णपुर जनता ने जो धक्काशाही की है उन्होंने भाजपा वालों उसको जवाब दिया है। मंत्रिमंडल में शामिल करने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा टीटी को? बिल्कुल, जो जनता को ने अपमानित महसूस किया तो जनता ने इसका सबक सिखाया है। जिस परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ा जा रहा था, जो भाजपा की सरकार बन गई थी उसके बाद जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी की सभा की वो फेल होगी, उप मुख्यमंत्री जी की रोड शो की वो फेल होगी, फिर इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ना मानते हुए जो इन्होंने मंत्री पद दिया, तो लोगों में उस चीज़ का बहुत रोष था। अभी हमारे मत का दान नहीं हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया, पहले मंत्री पद दे दिया है, तो काफ़ी रोष था इसके लिए। इस बात मानते हैं कि जो रोष है वो हार में कन्वर्ट हुई है। बिल्कुल, ये पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा संदेश गया है। अभी इतना सरकार का दबाव था जनता के ऊपर, लोगों को भयभीत करने की भी कोशिश की, धमकियां भी दी गई, लेकिन लोग डरे नहीं, लोकतंत्र की जीत हुई है मैं मानता हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा जी, लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा भी, अब जनता दबाव में नहीं है, अपना मत का प्रयोग अपने मन से करेंगे। कांग्रेस कई बार ईवीएम की जो नाकामी कर होते भी ये खराब है, ये करते हैं। बिल्कुल, सिर्फ कांग्रेस नहीं, हर विपक्षी दल इसका विरोध ही कर रहा है, विचार रहा है अभी मत पद से चुनाव हो तो ज्यादा पारदर्शी होगा। क्या मुद्दे मुद्दे क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा नहरी क्षेत्र है, तो पानी का ही है, गंगा जिला है, तो फिरोजपुर फीडर जो माननीय अशोक गहलोत जी ने पिछली सरकार में 200 करोड़ का बजट जारी किया हुआ है उसको प्राथमिकता से लगाने का है। ऐसा कोई कार्य जो कुंदर साहब नहीं करवा पाए आप उसको पूरा करवाएंगे? देखो, समय के हिसाब से जो मुद्दे बदलते रहते हैं, जो जनता के मुद्दे अब आएंगे उन मुद्दों प्राथमिकता से उठाएंगे। जिस परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ा जा रहा था, जो भाजपा की सरकार बन गई थी उसके बाद जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी की सभा की वो फेल होगी, उप मुख्यमंत्री जी की रोड शो की वो फेल होगी, फिर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ना मानते हुए जो इन्होंने मंत्री पद दिया, तो लोगों में उस चीज़ का बहुत रोष था। अभी हमारे मत का दान नहीं हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया, पहले मंत्री पद दे दिया है, तो काफ़ी रोष था इसके लिए। इस बात मानते हैं कि जो रोष है वो हार में कन्वर्ट हुई है? बिल्कुल, ये पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा संदेश गया है। अभी इतना सरकार का दबाव था जनता के ऊपर, लोगों को भयभीत करने की भी कोशिश की, धमकियां भी दी गई, लेकिन लोग डरे नहीं, लोकतंत्र की जीत हुई है मैं मानता हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा जी,